और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी हुई आ रही है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की थी, ये बात नवाब मलिक ने कही है। तो देखिए यहाँ पर अब नवाब मलिक, क्योंकि अब इस मामले की जो जांच है वो उसके लिए एसआईटी का गठन हो गया है। अब नवाब मलिक इस मामले पर भी हमलावर हो रहे हैं। राज्य और केंद्र की एसआईटी का गठन हुआ है और अब देखते हैं कौन वानखेड़े को बेनकाब करता है। तो देखिए यहाँ पर नवाब मलिक एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा था, मांग की थी कि इस मामले में एसआईटी गठित हो और वो हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर वार पलटवार का दौर और एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ नवाब मलिक ने खड़ा कर दिया है, शुरू कर दिया है। और अब एक बार फिर कह रहे हैं कि अब एसआईटी गठित हो गई है तो अब देखना होगा कि कौन समीर वानखेड़े को बेनकाब करता है। ये आरोप नवाब मलिक के। वही नवाब मलिक जो लगातार शुरुआत से ये एक ऐसे शख्स रहे जो शुरुआत से समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट्स को लेकर जिस तरह से तमाम चीजें सामने आई हैं। और नवाब मलिक ही अब वो शख्स जो यहाँ पर बात कहते हुए नजर आए हैं कि एसआईटी की वो मांग कर रहे थे और देखिए अब एसआईटी यहाँ पर गठित कर दी गई है और अब देखना होगा कि कौन समीर वानखेड़े को बेनकाब करेगा।